हरियाणामधील मेवाल येथे श्रावण सोमवार निमित्त हजारो भाविक दर्शनाला जात असतात, मात्र याच ठिकाणी समाजकंटकांनी हल्ला करून अनेक वाहनांना आग लावण्यात आली. या हल्ल्यात दोन बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांची निर्गुण हत्या करण्यात आल्याने अमरावतीत बजरंग दलाच्या वतीने राजकमल चौकात या घटनेचा निषेध व्यक्त करण्यात आला. या हल्ल्यात मृत्यू झालेल्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत देण्यात यावी, सर्व हल्लेखोरांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात यावी, ही मागणी या आंदोलनातून करण्यात आली. श्रावण सोमवार निमित्त हरियाणा मेवाल येथे दर्शनाला गेलेल्या शेकडो श्रद्धालूंसह कावड यात्रेकरूंवर शेकडो समाजकंटकांनी बेछूट दगडफेक करून वाहनांना आग लावण्यात आली. या हल्ल्यात अनेक भाविक गंभीर जखमी झाले तर अनेक जण स्वतःचा जीव वाचवण्यासाठी इकडे तिकडे पडत गेले. या यात्रेत साधारणत 20 ते 25 हजार भाविक दर्शनाला गेले होते. अशात प्रशासनाने वेळीच धाव घेऊन यावर नियंत्रण आणले, मात्र या हल्ल्यात बजरंग दलाच्या दोन कार्यकर्त्यांची निर्घृण हत्या करण्यात आली. या हल्ल्यात गोळीबार सुद्धा करण्यात आल्याचे बजरंग दलाच्या पदाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलेत. या घटनेचा आता सर्वत्र निषेध व्यक्त होत असताना अमरावती शहरातील बजरंग दलाने सुद्धा या हल्ल्याचा निषेध व्यक्त केला. राजकमल चौकात अनेक पदाधिकाऱ्यांनी घोषणा देत इस्लामिक जिहादी आतंकवादी संघटनेचा निषेध व्यक्त केला. यावेळी घोषणाबाजी करण्यात आली. मृतकांच्या नातेवाईकांना आर्थिक मदत देण्यात यावी, मेवालला पूर्ण सील करून कोम्बिंग ऑपरेशन करण्यात यावे, हल्लेखोरांना ताब्यात घेऊन कडक कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी या आंदोलनातून करण्यात आली. आज संपूर्ण भारतवर्ष में बजरंग दल के माध्यम से आंदोलन किया जा रहा है. जो घटना हाल ही में हरियाणा के मेवात के नूह शहर में घटी है, जिसमें हर साल शिव मंदिर की जो यात्रा होती है उस यात्रा का नियोजन हर साल ही होता है. इस साल भी वैसा ही आयोजन किया गया था. 20,000 श्रद्धालु इस यात्रा में सहभागी होने वाले थे, जिसकी पूर्व जानकारी प्रशासन को थी. परंतु इस यात्रा पर जिस प्रकार से इस्लामी कट्टरवादी जिहादियों तत्वों ने हमला किया है, गोलियां बरसाई है, पत्थर पहाड़ियों से पत्थर फेंके, गाड़ियां जलाई है, आस्था के हिंदूवादी लोगों पर इस प्रकार का आघात, ये पूरा देश से दुखी है. और इसकी पूर्व जानकारी क्यों इंटेलिजेंट को नहीं थी? प्रशासन ने वहाँ पर पूर्व व्यवस्था क्यों नहीं की? इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठता है. और इस आंदोलन के माध्यम से हम यह मांग करते हैं कि इस घटना के अंतर्गत जो भी इस्लामिक कट्टरवादी तत्व द्वारा यह घटना को अंजाम दिया गया है, उन सभी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो. उन सब के ऊपर जितने भी प्रशासन के जो भी उन्होंने वाहन जलाया है उनका हर्जाना लिया जाए, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि देश में इस प्रकार की किसी भी प्रकार की घटना न हो. और इस आंदोलन के माध्यम से मैं पूरे देश के हिंदुओं को एक आह्वान करना चाहता हूँ कि आत्मरक्षा का अधिकार हमें संविधान देता है. इस प्रकार की घटनाएं हिंदुओं पर हो रही है, आगे भी होगी, तो मैं सभी हिंदुओं को आह्वान करता हूँ कि अपने आत्मरक्षा अधिकार का भरपूर इस्तेमाल करें, ताकि इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लगे.